कड़ाके की सर्दी में अंजलि के घरवाले सुल्तानपुरी थाने के बाहर सोमवार से धरने पर बैठे रहे। उनका कहना था कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा है, इसलिए उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और इस मामले की जांच सीबीआई करे। उसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी आया और एक आरोपी ने यह भी कहा है कि 2 मिनट के बाद वो लोग उतरे थे 200 मीटर के बाद और उनने देखा और उनने देख लिया था कि नीचे अंजलि फंसी हुई है। सर, उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि अब इसको मारना होगा, अगर नहीं मारा तो ये हमें सलाखों के पीछे ले जाएगी। तो दिल्ली पुलिस जिस मोटिव और इंटेंशन की तलाश इतने दिनों से कर रही थी, कल उनको एक्यूज के बयानों में ये मिल गया है। तो मुझे, मेरा और परिवार का यही मानना है कि सारे आरोपियों पर 302 का मुकदमा दायर हो और अंजलि के जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा। अंजलि हम शर्मिंदा हैं। इंसाफ के लिए अंजलि के परिवार और इलाके के लोगों ने सोमवार शाम कैंडल मार्च भी निकाला। मंगलवार को बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह पीड़ित परिवार से मिले। डीसीपी साहब ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी दिल से हम कर रहे हैं, हमारी इतनी टीम लगी हुई है, 18 कम से कम 200-250 बंदे लगे हुए हैं आपके केस में। अगर हम छानबीन नहीं करते तो ये एविडेंस भी नहीं इकट्ठे होते, 304 भी नहीं लगाई जाती, धारा वो लगती अवेलेबल। हमने ऐसी धारा लगाई है कि मुजरिम बाहर भी ना जा सके। डायरेक्ट 302 लगाते हैं तो उसका एविडेंस देना पड़ेगा। हम डायरेक्ट भी 302 नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये कि कल से आप धरने पर बैठे हैं, बहुत ठंड बहुत ज्यादा है, तो क्या अब आप संतुष्ट हैं, तो क्या आप धरने से उठ जाएंगे आप लोग? हाँ जी। अंजलि के मामा जो बता रहे हैं कि पुलिस की जांच से वो संतुष्ट हैं और बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह से जो उनकी मुलाकात हुई है उसकी उनकी बातचीत से ये संतुष्ट हैं और अब थाने के बाहर जो कल से बैठे हुए हैं यहाँ से अब घर जाएंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।